गाइस, जैसा कि मेरे को बहुत सारे बंदे मैसेज करते हैं कि हमारा वॉच टाइम काउंट नहीं हो रहा है। हाँ गाइस, वॉच टाइम एनालिटिक में 4000 वॉच ओवर या 7000, किसी का 10000, किसी का 70000 तक वॉच टाइम ओवर हो गया है कंप्लीट, परंतु उनका मोनेटाइजेशन डैशबोर्ड में काउंट नहीं हो रहा है। तो मैं उन सभी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, स्पेशली उन सभी के लिए। मेरे को बहुत सारे बंदे वीडियोस में कमेंट करते हैं, आप जाके भी देख सकते हैं, मैंने एक वीडियो बनाया था, वॉच टाइम काउंट नहीं हो रहा, उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो उस वीडियो के ऊपर बहुत सारे बंदे का कमेंट आता है कि भाई हमारा वॉच टाइम काउंट नहीं हो रहा है। तो मैं उनको बोलता हूँ इंस्टाग्राम पे आइए, इंस्टाग्राम पे वो आते हैं, मेरे को मैसेज करते हैं, स्क्रीनशॉट भी भेजते हैं, फिर मैं उनको समझाता हूँ उसी हिसाब से, तो वो समझ जाते हैं और उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो गाइस, इस वीडियो में हम इस बात का टॉपिक को कवर करेंगे कि आपका वॉच टाइम क्यों नहीं जुड़ता है, क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है, वो हम इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन दे देंगे, ताकि आपको बाद में हमको कमेंट करके या इंस्टाग्राम पे बात करके सॉल्यूशन लेने से पहले ये वीडियो देखने से ही आपको सिंपली मालूम हो जाएगा। गाइस, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन उन सभी से यही रहता है कि आपका कोई भी वीडियो प्राइवेट या अनलिस्टेड किया हुआ है क्या? नहीं है। तो बहुत सारे बंदे बोलते हैं हमारा कोई भी वीडियो प्राइवेट या अनलिस्टेड नहीं है, और बहुत सारे बंदे बोलते हैं हमारा कोई वीडियो डिलीट भी नहीं किया, परंतु हमारा वॉच टाइम एनालिटिक में शो कर रहा है और डैशबोर्ड में नहीं आ रहा है मोनेटाइजेशन। तो मैं गाइस सबको सबसे पहले सिंपली एक बात ये क्लियर कर देता हूँ कि आपका जेन्युइन कंटेंट होना चाहिए। आपका वॉच टाइम क्यों नहीं आ रहा? अभी एक बंदा ने मेरे को 30 सेकंड का एक वीडियो भेजा था, उसके ऊपर उसको 1.7 के वॉच टाइम आया हुआ था लास्ट 365 डेज में, उसका 365 डेज में 1.7 के यानी 1700 ओवर्स वॉच टाइम उसको आया हुआ था, और वीडियो था 30 सेकंड का, ओनली 30 सेकंड का, और उस वीडियो का वॉच टाइम उसका ऐड नहीं हुआ था, बाकी सभी वीडियोस का वॉच टाइम ऐड हुआ था मोनेटाइजेशन डैशबोर्ड में। तो वहां पे मैंने उसको बोला भाई अपना एनालिटिक में जाओ, और एनालिटिक में जाओ वहां पे अभी एक नया ऑप्शन आ जाता है, अगर जो भी वीडियो आपको ज्यादा वायरल हो जाता है, छोटा वीडियो होता है ना, तो वो वीडियो पे एक यूट्यूब एक ऑप्शन वहां पे डाल देता है, नॉर्मल वीडियोज में नहीं डालता है। जैसा कि आप अभी अपना एनालिटिक में जाके देख लो, कोई भी एक वीडियो का एनालिटिक में, कोई भी एक वीडियो का एनालिटिक में जो वायरल है, तो शायद हो सकता है वहां पे एक रिव्यू और फीडबैक का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको वहां पे यूट्यूब को फीडबैक भेजना है, फीडबैक ऐसा लिख देना है, हाय टीम यूट्यूब, मेरा वॉच टाइम इतना इतना हो रहा है इस वीडियो में, और मेरा मोनेटाइजेशन डैशबोर्ड में काउंट नहीं हो रहा है। तो यूट्यूब उस वीडियो को रिव्यू करेगा और यूट्यूब को लगेगा हाँ ये जेन्युइन वीडियो है। अगर आपका खुद का कंटेंट होगा, खुद का किसी का कॉपी किया हुआ नहीं होगा, यानी कोई यूट्यूब पे ऑलरेडी स्टेटस वाला वीडियो है या कोई और है, आप उठा के उसको डाल दोगे तो नहीं होगा। क्योंकि मैंने एक बंदे का चैनल चेक किया था 2 दिन तक, और उसका फीडबैक भी भेजा था, यूट्यूब की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया उसके ऊपर, क्योंकि वो एक बंदा दूसरा का मैं बता रहा हूँ, जो वो बंदा एक वीडियो उठाया हुआ था स्टेटस वाला, व्हाट्सएप स्टेटस वाला, उसका समथिंग 45 सेकंड का वीडियो था, और वो वीडियो वायरल भी हो गया था, 1 मिलियन प्लस उस पे व्यूज भी आ गए थे, परंतु उस वीडियो का वॉच टाइम उसको बंदे को कतई काउंट नहीं हुआ था, उसका मोनेटाइजेशन डैशबोर्ड में काउंट नहीं हुआ था। तो मैंने YouTube के साथ में फीडबैक सब भेज के ट्राई कर लिया, उसका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ, परंतु एक दूसरा बंदा का मैंने फीडबैक भेजा और उसका वॉच टाइम जो जितना था वो ऑलरेडी उसमें डैशबोर्ड में काउंट हो गया। तो सबसे पहले आपको यही ध्यान में रखना चाहिए कि आपका कंटेंट खुद का जेन्युइन होना चाहिए, यानी आपने खुद ने बनाया हुआ है वो वीडियो है आपका, उसमें क्वालिटी आपने कुछ भी इंक्लूड किया हुआ है, तो आपका उसका 100% वॉच टाइम काउंट हो जाएगा। कुछ केस में YouTube रिव्यू करता है वो वीडियो को, क्योंकि छोटा वीडियो होता है ना, तो उसका वॉच टाइम ऐड करने में बड़ा मुश्किल होता है YouTube को, इसीलिए YouTube उसको रिव्यू करता है, उस पर आपका फीडबैक पूछता है, और आप उस पर फीडबैक भेज देते हैं, तो उसका वॉच टाइम आपका मोनेटाइजेशन डैशबोर्ड में YouTube काउंट कर देता है। ये बात होगी कंप्लीट। अगर आपको भी ऐसी शिकायत आ रही है, अगर आपका छोटा वीडियो 1 मिनट से नीचे का वीडियो है, आप अपनी उसी वीडियो को जो वीडियो वायरल है उसकी वीडियो के अंदर जाइए, और वहाँ पे फीडबैक का ऑप्शन है, तो आप जाके वहाँ पे फीडबैक भेज देना है। और गाइस, और आप हमेशा ये ध्यान रखना, अगर आपका वॉच टाइम काउंट नहीं हो रहा है, तो आप लास्ट 365 का डेज का ही चेक करें, न कि लाइफ टाइम का। बहुत सारे बंदे लाइफ टाइम का चेक करते हैं, तो उनका अभी एक बंदा आ गया था, उसका 87 वॉच टाइम था, टोटल 87 ओवर, और उसका मोनेटाइजेशन डैशबोर्ड में 56 ऐसा कुछ दिखा रहा था। तो मैंने उसको बोला भाई यूट्यूब डैशबोर्ड में काउंट करने के लिए वॉच टाइम 72 ओवर्स लेता है, 72 ओवर्स में आपका वॉच टाइम काउंट हो जाता है, परंतु यूट्यूब कुछ ओवर्स को रिजर्व रखता है, यानी वो नेक्स्ट 70 आज आपको क्या ओवर्स आया वो, यानी एग्जांपल के लिए आपको आज 20 घंटा ओवर टाइम, आपको 20 घंटा ओवर्स मिला, वॉच टाइम मिला, ठीक है,
और आपको पीछे कल 15 घंटा मिला था, उससे पीछे 5 घंटा मिला था, तो वो 5 घंटा पहले काउंट होगा, उसके बाद में आ गए नेक्स्ट डे का काउंट, उसका नेक्स्ट डे का, यानी एक दिन दो दिन आगे यूट्यूब रिजर्व में रखता है, उसको आगे आगे एक्सटेंड करता रहता है, और जो पीछे दो दिन पहले आया वो वॉच टाइम आपको काउंट होता रहता है। तो आपको ऐसी कोई भी तकलीफ है तो इस तकलीफ से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वॉच टाइम आपका काउंट हो जाएगा। और वायरल वीडियो में आप फीडबैक भेजोगे तो आपका अगर जेन्युइन कंटेंट है तो यूट्यूब आपका उस वॉच टाइम को आपके डैशबोर्ड में काउंट कर देगा। सो उम्मीद करता हूँ आपको गाइस इसमें आपका जो भी कंफ्यूजन था, जो भी कुछ था, वो क्लियर हो गया होगा, और अभी आपको कोई क्वेश्चन नहीं बचा होगा। अगर कोई भी आपका वीडियो वायरल है उसका वॉच टाइम नहीं जुड़ रहा है तो आप सिंपली फीडबैक भेज सकते हैं, वहाँ पे आपको हो जाएगा। वहाँ पे नहीं होता तो आप टीम यूट्यूब को ट्विटर पे जाके ट्वीट कर सकते हैं उस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके, एनालिटिक में आप दिखा सकते हैं ये मेरा जेन्युइन कंटेंट है और इसका वॉच टाइम नहीं हो रहा है, और डैशबोर्ड वाले का भी आप एक स्क्रीनशॉट लेके वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, तो यूट्यूब उसका 100% रिव्यू करके आपका वॉच टाइम क्लियर कर देगा। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना है और कमेंट करके आपको जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा है, और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना है। सो गाइस मिलते हैं फिर किसी एक नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय।